हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं आपकी दोस्त उषा पटेल। आज मैं बोगनवेलिया पे ज़्यादा फ्लावर मतलब फूल कैसे पाए उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। तो ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट देख रहे हो। पहले मैंने 4 महीने पहले उसने मुझे बहुत सारे फ्लावरिंग दी थी और इसके बाद मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो येल्लो कलर, जैसे कोई दुल्हन सोने के गहने पहन के खड़ी हुई ऐसा दिखता है मेरा प्लांट। देखा, तो पहले मैं आज बताती हूँ कि ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया है और हमें तैयार नर्सरी में से भी मिल जाता है। हमें हाईवे पर जाते हैं, वहाँ बहुत सारे हमें बोगनवेलिया मिलते हैं, वहाँ से मैं कटिंग लाके, येलो तो मैंने नर्सरी से लाई थी लेकिन ये दोनों प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। ये मेरा 1 साल का हो गया है, ये भी मेरा 1 साल का हो गया है और ये छोटा बीच में है वो मैंने अभी उसको फिर से दूसरा कलर है कटिंग से मैंने ग्रो किया है। ये 3 प्लांट है मेरे पास, तो हमें गमले में ग्रो करना है। तो इसके पहले हमें मिट्टी बनानी चाहिए, उसको सैंडी सॉइल बनाओ कि जिसमें पानी ठहरे नहीं, कि जैसे हमें पानी डालो तुरंत बाहर निकल आए, ऐसे ऐसे मिट्टी में हमें उसको ग्रो करना है। दूसरा, हम देखते हैं कि हाईवे पर हम जाते हैं वहाँ उसको कौन खाद पानी देता होगा, लेकिन वो ज़मीन में है तो वो अपने आप को जो भी चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन गमले में हम लगाते हैं तो हमें उसको ज़्यादा थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, मतलब तो उसको आप बहुत बड़े से गमले में भी नहीं लगाओ और एकदम छोटे से गमले में भी नहीं लगाओ। उसको ज़्यादा जितना रूट अंदर, मतलब जितनी ज़्यादा रूट्स होगी उसको इतना ऐसा ज़्यादा पसंद है, मतलब रूट बाउंड, तो आप उसको बार बार रिपोर्टिंग भी नहीं करना है उसको, और उसको एक ही गमले में आप कई साल तक रख सकते हो। तो क्या करना है, पहले मैंने 4 महीने पहले मेरी फ्लावरिंग हो गई थी तो फिर मैंने, आप देखो यहाँ से मैंने ऐसे कटिंग कर दी थी, ऐसे मैंने सारे प्लांट में कटिंग कर दी थी। तो फिर मुझे नई डालियाँ निकल आई और मुझे बहुत सारे फूल मिल गए। मुझे तो येल्लो कलर इतना पसंद आता है। तो मेरे, आप देख सकते हो मेरे एक छोटे से गमले में है फिर भी मेरी बोगनवेलिया कितने सारे मुझे फूल मिल रहे हैं और मेरे गार्डन की शोभा को और ज़्यादा सुंदर कर रहे हैं। ये मेरा प्लांट है तो आप देख सकते हो इसमें अकेला एक पिंक भी आता है, ऐसा ये डाली पे अकेला पिंक का, लाइट पिंक कलर का आता है फूल। और ये डाली है वहाँ आधा वाइट है और आधा पिंक है दो, और एक जो है अभी शायद गिर गया या पता नहीं, एक अकेला वाइट भी आता है, एक जगह अकेला वाइट आता है। मतलब मेरे प्लांट में एक ही प्लांट में मुझे 3 कलर के मिल जाते हैं। आप देख सकते हो इसमें मेरे प्लांट में एक ही प्लांट में 3 कलर के फूल आते हैं, एक अकेला पिंक, एक आधा वाइट आधा पिंक और एक फुल्ले वाइट और इसमें येल्लो, और बीच वाली में है वो डार्क रेड कलर का है, अभी वो छोटा है तो इसमें फूल नहीं आया है। तो हमें फूल करने पहले तो क्या करना है, हम जो रोड साइड में देखते हैं तो वह ऐसे ही उगती है और बहुत सारे उसमें फूल होते हैं, लेकिन हमें गमले में है तो क्या करना है, उसको 15-20 दिन में एक बार अच्छे से गोड़ कर दो और फिर गमले की मिट्टी को खोद दो और फिर इसमें क्या मिलाना है, मैं इसमें 19-19-19 NPK डालती हूँ और थोड़ा सा पोटास, रेड पोटास हो या 0-0-50 आपके पास जो भी हो, वो 1 चम्मच ये भी डाल दो NPK 1 चम्मच और दूसरा मैं डालती हूँ एप्सन सॉल्ट MgSO4 उसकी 1 चम्मच। बस मैं हर 20 दिन में उसको वही खाद देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा प्लांट कितनी अच्छी फ्लावरिंग पे आ गया है, वो मैंने दोबारा फ्लावर मुझे उसने दिया है। आप इतना करोगे और पानी का खास ध्यान रखना कि उसको पानी हर रोज़, उसका गमला गीला नहीं करना है, उसको हर रोज़ उठ के आज पानी दिया कल फिर से दिया, पानी का ज़्यादा ख्याल रखना है, मतलब उसको पानी नहीं चाहिए कम चाहिए। जब आप उसके एकदम से मिट्टी सूखने दो और पत्ते इसके ऐसे जूझ जाए, आपको लगेगा कि मेरा प्लांट गया मर गया ऐसा लगना लगे, इसके पत्ते ऐसे नीचे मुड़ जाए,
ऐसे उसका पत्ते नीचे मुड़ जाए तभी आप उसको पानी दो, खाद दो और फिर पानी दो, और आप देखना कि आपके गमले में मतलब आपके प्लांट पे कितने सारे आपको फूल मिल जाएंगे। आपको बस इतना ही ख्याल रखना है, ज़्यादा ख्याल रखना नहीं है। NPK 1919, एप्सन सॉल्ट 0050, इतना खाद दो और पानी का ख्याल रखो कि ज़्यादा पानी मत डालो बस। और आप एक बार जो मिट्टी बनाई है तो अच्छी सी वेलड्रेन मिट्टी बना दो, मिट्टी, सैंड और खाद, कोई भी खाद जो हो। और मैं दूसरा क्या रखती हूँ, देखो ये मेरा किचन वेस्ट है, मेरा हमेशा हर गमले में ऐसा एक प्लास्टिक की बोतल होती है जिसमें मैं अपना किचन वेस्ट मतलब जो हर रोज़ का मुझे सब्जी का छिलका होता है, कोई भी फ्रूट केला होता है, केले का छिलका होता है, जो हम खाते हैं वो मैं हमेशा मेरे हर गमले में एक एक ऐसी बोतल होती है। बस मैं इतना ही ख्याल करती हूँ तो मुझे इतने ढेर सारे इसमें से फूल मिल जाते हैं, और इसमें बहुत सारे आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, और एकदम इस प्लांट की कोई ऐसी कीमत भी नहीं होती। आप सरकारी नर्सरी में जाओगे तो वहाँ आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा ख्याल करोगे तो आपको भर भर के ये प्लांट फूल देने वाला है। उसको बार मतलब उसको कोई खास ऐसी केयर की ज़रूरत नहीं है, पानी भी कम डालो, 15-20 दिन में एक बार आप इसको थोड़ी सी खाद दे दो, आपका प्लांट भी खुश, आप भी खुश। देख रहे हो ना, मुझे तो ये येल्लो वाला इतना पसंद है। आप इतना करो और ढेर सारे फूल पाओ। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, और मेरा गार्डन का नज़ारा भी देख लो साथ साथ में।